भाई इधर ही आ रहा है, एक भाई इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। ऑलराइट सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही हो गए। सो गाइस आज मेरा जा रहा है आगरा में सेकंड डे। सो हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपने, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने गांव जाऊंगा, 3-4 साल से मैं गांव नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। सो आज हम यहाँ से वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। सो अभी मैं सोकर उठा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं करा। सो मैंने सीधा सोकर उठते अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सीधा चलते हैं और बाकी सब बातें रास्ते में करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो जब तक के लिए बाय, लेट्स गो, जल्दी से रेडी होते हैं। ऑलराइट सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ एकदम, बस यहाँ से हम निकलने वाले हैं। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट। सो गाइस बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। सो या इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जहाँ पर ये हमारी दीदी का घर है यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे सबके घर एक जैसे हैं। देखो ये हमारा भी, इधर भी, इधर भी, सबके घर आपको एक जैसे मिलेंगे। देखो आप पूरा भी घूम लोगे ना तब भी आपको सबके घर एक जैसे मिलेंगे। सो एक मिनट मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ, देख रहे हो? सो गाइस बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पर और ये आप देख रहे हो सारे घर सब एक जैसे बने हुए। सामने वाला जिसमें मैं जूम कर रहा हूँ ये घर भी एक जैसे, सारे घर एक जैसे बने हैं और यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी को एक दूसरे से जलन, क्योंकि सबके घर एक जैसे ही हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकलने वाले थे पर एक छोटी सी प्रॉब्लम। सो गाइस प्रॉब्लम ये है कि मैंने बारिश का बताई थी आपको कि बारिश आने वाली है और सच में ही बारिश आ गई और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सो जब तक बारिश रुकने का वेट करते हैं उसके बाद चलेंगे। सो आपको दिखाता हूँ, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंद तुझे ही तो ढूंढे, मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। सो गाइस एक डेढ़ दो घंटे वेट करने के बाद फाइनली बारिश रुक चुकी है, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। उसके सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मेन रोड पे जहाँ से बस वगैरह मिलती है। तो अभी बस का वेट कर रहे हैं, काफी ज्यादा शोर हो रहा है हाईवे पे खड़े हैं मेन, तो बस का वेट कर रहे हैं, फिर बस आती है उसमें बैठते हैं फिर चलेंगे। खुशी और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बात करो पहले, यहाँ पे बात करो, चश्मा उतारो, बात करो, बात क्या, हाय हाय करो, नहीं करोगी? बस में बाहर बैठ के। सो गाइस अभी बस आती है फिर उसमें बैठेंगे उसके बाद चलेंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे बारिश के चक्कर में, इसलिए सो जब तक के लिए बाय, फिर चल के देखते हैं। सो गाइस आधा घंटा वेट करने के बाद हमारे को बस मिली और वो भी ऐसी बस पूरी भरी हुई, सिर्फ एक ही बस थी क्योंकि यूपी की बस वगैरह चल भी नहीं रही, इसलिए सिर्फ एक ही बस थी, फुल भरी हुई है, एक भी सीट नहीं है खाली जिसमें बैठ सकूँ, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ। सो गाइस आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, यहाँ यूपी में ब्लॉग बनाना ऐसा नॉर्मली नहीं है, मतलब हर किसी को नहीं पता कि ब्लॉग वगैरह क्या होता है, जिस किसी को पता है वो तो मतलब जिसको पता है वो तो पता ही है, जिसको नहीं पता उसका रिएक्ट देखना कैसा होगा कैसे नहीं। सो मैं आपको वीडियो पर रिएक्ट दिखाऊंगा लोग भागों के कैसा होता है। तो भाई मैं यहाँ से ना एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को कहीं सीट नहीं मिली, अगर मुझे कहीं बैठने के लिए सीट मिल जाती ना तो मैं आराम से खिड़की के पास बैठ कर आराम से वीडियो लेता आराम से, पर बट कोई नहीं अभी आगे चल के देखेंगे, कोई ना कोई उठेगा तो मैं बैठ जाऊँगा उसके बाद आराम से वीडियो बनाएंगे। सो तब तक के लिए बाय। सो गाइस बहुत टाइम वेट करने के बाद मेरे को एक सीट मिली है खिड़की की साइड की। सो गाइस मैं जल्दी से बाहर का व्यू ले लेता हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है और बाकी की बातें हम घर चल के करेंगे। सो जब तक के लिए बाय, सो बताओ।
करके लिए हमारा घर है। सो ये खुशी है, खुशी ये खुशी है, ये खुशी बस में सो गई थी और मैं, मेरी मम्मी और खुशी, हम तीनों आए हुए हैं बस से। और खुशी, खुशी के पापा, इसका भाई, ये आ रहे हैं, इसके ये आ रहे हैं तीनों बाइक से और हम इनसे पहले आ गए बस से। अभी उन्हें फ़ोन करेंगे, पता नहीं वो यहाँ अभी पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, सो घर चल के बात करेंगे बाकी के। के लिए बाय। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी बुआ के घर पर जहाँ मुझे आना था आगरा से अलीगढ़। हमें आने में 2 घंटे लगे, 6 बजे वहाँ से बैठे थे और अब टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। और जहाँ मैं यहाँ से आगे जाना था, सो वहाँ के लिए ऑटो बस वस कुछ भी नहीं मिलती। सो आज रात को हमें यहीं पर ढूंढना पड़ेगा बुआ के घर पे। सो ये वाला ब्लॉग मैं कल सुबह से कंटिन्यू करूँगा। सो अब रात को खाना वाना खा के सो जाएंगे। सो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल सुबह। सो गाइस गुड मॉर्निंग, फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि हम जाएंगे सुबह गांव, सो हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं। सो अभी हम ऑटो में बैठे हैं, ऑटो इधर खड़ा हुआ है, अब इसमें बैठ के जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बस वगैरह नहीं जाती, इसलिए ऑटो ही जाता है। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, आई थिंक 30 किलोमीटर है यहाँ से गोंडा नाम का गाँव, वही मेरा गाँव है और वहाँ पर मैं पहले भी गया हूँ और मेरा फ्रेंड को भी लेकर गया था एक बार, सुहेल को। सो सुहेल भाई, मैं उसी वाले गांव में जा रहा हूँ जहाँ पे हम दोनों पहले भी जा चुके हैं। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, तब तक के लिए बाय। गाइस ये वो जगह है जहाँ पर मैं गिरा था बस के पीछे। पता क्या सीन हुआ था? सीन ये था कि मैंने सुहेल भाई से कहा कि आओ जल्दी से भगकर बस के पीछे लटक जाओ, वो लटके नहीं थे तो उसके बाद मैं लटक गया था, बस काफ़ी दूर आ गई थी। उसके बाद उनके चक्कर में मैंने बस चलती बस से कूद गया, मैं गिर गया था। ये वही जगह है, याद आया तुम्हें? देख रहे हो, ये मेरे जीजा और मेरी दीदी हैं, दोनों हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं बाइक पे। आते रहो। सो गाइस ये देख रहे हो आप, ये स्कूल है और इसमें मैं, मेरी बहन, हम दोनों पढ़ते थे इस वाले स्कूल में। इस ये वाला स्कूल है, हम इसमें पढ़ते थे और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गाँव। से आते थे स्कूल वाले रास्ता, ये हमारा स्कूल का रास्ता था। सो गाइज फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना था। सो गाइज अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, सो मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा, शाम के टाइम जाएंगे। तो मेरा एक फ्रेंड भी है, मैं आपको उससे ही मिलवाऊँगा और शाम के टाइम जाएंगे बाहर घूमने के लिए, इधर ही पास में ही है, वहाँ का व्यू लेंगे, वीडियो बनाएंगे एक आधी। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे के लिए वीडियो बनाऊँगा। सो इस जगह पे जहाँ मेरा गांव है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड भी आया हुआ है, सुहेल। सुहेल भाई ये वही कमरा है जहाँ पर हम दोनों सोए थे। सो अब जब तक के लिए बाय, मैं जल्दी से नहा धो के रेडी रहता हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद शाम को जाएंगे। जब तक के लिए बाय, लेट्स गो। सो गाइस जिसकी मैं बात बता रहा था, जो मेरा फ्रेंड है वो ये है सोनू भाई, हमारे यहीं रहते हैं मेरे साथ। जो मैंने आपको स्कूल दिखाया था उस वाले स्कूल में मेरे साथ में क्लासमेट थे, मेरे साथ ही पढ़ते थे। और सुनो भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई। और कुछ बोलना चाहोगे भाई मेरे ब्लॉग में? नहीं भाई और सब बढ़िया है, आप बताओ। ठीक हूँ भाई। अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई, कौन सी जगह पे जा रहे हैं? भाई खेत पे जा रहे हैं अपने, पे वहाँ पे ट्यूबवेल भी है। चलो और वहाँ तो मैं घुमाता हूँ और दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ यहाँ तो पहले भी घूमा हुआ मैं। चलो आगे की वीडियो बनाते हैं और जब तक के लिए बाय। सो गाइस ये वो ट्यूबवेल है और ये पीपल का पेड़, इधर कुआं भी है।
गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप, देखो देखो सारे शराज भाई के भाई कूद रहे हैं, उछल के खेलने कूद रहे हैं, देखो सारे शराज भाई के भाई हैं, देख रहे हो आप। देखो देखो देखो, देखो एक भाई इधर ही आ रहा है, एक भाई इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, समीर आ रहा है इधर ही, समीर समीर, अब सराज भाई। सो गाइस ये देखो, ओए ये तो मैंने देखा ही नहीं, एक वो भाई बैठा हुआ, एक ये रहा, ये देखो वो बैठे हुए, सारे सराज भाई के बरादरी भाई हैं सब। सो गाइस यही मेरा गांव है और इस गांव से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। मैं यहां पे पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और बहुत कुछ करा मैंने इस गांव में। सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस गांव के ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए। और सोनू भाई इस सो गाइस रात को मैं छत पे सो रहा हूं और कुछ भी नहीं दिख रहा, बस खाली आपको अंधेरा अंधेरा देखेगा। मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है, एकदम आंधी आ रही है और बिजली कड़क रही है बहुत गंदी वाली, अभी दिखेगी आपको, देखना देखते रहना। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं, आज शाम की मेरी दिल्ली के लिए वापसी है। सो गाइस रात का सीन कुछ ये हुआ था कि सब लोग ऊपर ही सो रहे थे छत पे, सब लोग छत पे ही सो रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, सब लोग छत पे सो रहे थे, मैं भी छत पे सो रहा था रात को, पता क्या हुआ। सो गाइस रात को बारिश सो गाइस सब बारिश के मारे भाग रहे नीचे, देखो बारिश आ गई, ये मेरी दादी देखो मैं हंसते हंसते पागल हो रहा हूँ, ये देखो चाची की मेरी गिली सब गिले, अम्मा मेरी गिली सब गिली, सब गाइस पता क्या हुआ, ये सारे ना खड़े हुए थे सब बारिश से बहुत आ गए, ये सब गीले हो रहे और मैंने जो बिछा रखा था वही ओढ़ लिया, मैं गीले नहीं हुआ बिल्कुल भी। होगा वीडियो में सब कैसे हंस रहे थे, मैं नहीं सभी हंस रहे थे पागलों की तरह। सो गाइस पता क्या सीन हुआ था, बारिश आ गई थी एकदम से बहुत तेज और क्या नाम है, सब भगने लगे इधर उधर और सब भग रहे थे इधर उधर, मैं एक ही जगह खड़ा हूँ सबकी वीडियो बना रहा हूँ और क्या नाम है, पता क्या सीन हुआ था, जो चीज़ मैंने अपने नीचे गद्दा बिछा रखा था तो बहुत तेज बारिश आई थी, मैंने अपने ऊपर ही गद्दा ओढ़ लिया, सबकी वीडियो बना रहा था और क्या नाम है, सब मेरे को कह रहे हैं ओए ये वो काफ़ी मज़ा आया गाइस मेरे को। सो गाइस हाँ अभी को यहीं पर ही एंड करते हैं क्योंकि ऐसी लंबी लंबी वीडियो हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। और जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आईडी है littlezoraver_1। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस रेड वाले बटन को दबाएँ, आग की तरह इस वीडियो को फैला दें। सो बाय, आई लव यू।